Tweedy Studies. This is Adya and I welcome to you all. So as in front of you on a screen has already written that today we are going to take the chapter that is going to be your resources and development. Okay. Now resources and development, it took of your geography. Yeah. Well, and it's from the class 10th also. All right. So जोग्राफी और अगर हम इकोनॉमिक की भी बात करें तो उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो डेवलपमेंट है, होप्स रिसोर्सेज या डेवलपमेंट करके. तो ये दोनों चैप्टर्स क्या कोरिलेट हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर हो रही थी कि क्या ये दोनों चैप्टर सेम है, तो देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ठीक है, मेरा जो पहला वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आया था उस पर मैंने बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हम ज्योग्राफी में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी नेचुरल रिसोर्सेज की, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, उसमें मैंने बात की थी कि उसके भी फर्दर टॉपिक्स होते हैं, कुछ उसके रिन्यूएबिलिटीज़ पे बेस्ड होते हैं, कुछ उसके ओरिजिन पे बेस्ड होते हैं, कुछ उसकी यूटिलिटी पे बेस्ड होते हैं एंड मेनी फर्दर फैक्टर्स हम इस चैप्टर में डील करेंगे. ठीक है, तो अब आपसे इस चैप्टर को स्टार्ट अप करने से पहले मैं बता दूं कि ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, और इकोनॉमिक जो आपका बुक है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसका. ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस. सो सी एवरीवन, ज्योग्राफी में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, और जो आपका इकोनॉमिक है उसमें आपका चैप्टर का नेम है रिसोर्स. यस, रिसोर्स या डेवलपमेंट करके. ठीक है, तो हम ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की ओरिजिन, उसकी यूटिलिटी, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वो क्यों है, ठीक है, वो क्यों है और वो कैसे बना और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये होती है हमारी ज्योग्राफी. और अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में हमारा जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उससे क्या इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है, क्या उस पर चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ें हम इकोनॉमिक वाले चैप्टर में डील करेंगे. इस चैप्टर में हम उसकी यूटिलिटी, उसकी ओरिजिन और उसके होने या ना होने के कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समझेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर की रीडिंग आप अपने आप कर लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसानी एंड कह सकते हैं बहुत ही कम वर्ड में लिखा हुआ है. ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर किया गया, लेकिन जो बेसिक आपका जो चैप्टर का फंडामेंटल या फिर कह सकते हैं रूट है वो पहले ही पेज नंबर पे आपका गिवन अप है. ठीक है, और ये आप लोग को टेबल आपके सामने दिख जाएगी रिसोर्स की, तो आप इसको ओपन कर लीजिए. एंड आई एम रियली रियली श्योर कि इस पर्टिकुलर जो आपका ये टॉपिक होने वाला है रिसोर्स, इस टेबल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये टेबल बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड जो फर्स्ट आपका है रिसोर्स. ठीक है, अब हमने बता दिया था कि रिसोर्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट्स योर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. ठीक है, तो अब नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं हमारे किस पर, नेचुरल रिसोर्सेज पे, नॉट ऑन ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्सेज पे. ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज वो दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज तो उसमें आपका आ जाएगा वो कुछ उनकी क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ पे बेस्ड होंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मेट, उनकी इंस्टीट्यूशंस, उनके फर्दर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होंगे. ठीक है, नाउ अब हम लोग फोकस कर लेते हैं हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सो एवरीवन लेट्स स्टडी राइट नाउ विद द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपका बहुत ही इजीएस्ट, दैट इज योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या हैं. तो अब देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि आपने इनर्जीज देखी, फॉरेस्ट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास आपने देखे होंगे, आपकी बुक में कॉन्सेप्ट आगे दिया है, क्लाउड्स हैं, वेयर एज आपके माउंटेन्स हैं, जियोथर्मल है. तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि क्या ये चीज़ें जैसे कि आपका माउंटेन, जैसे कि आपकी बायोमासेस, जैसे कि आपका क्लाउड्स हो सकते हैं, जियोथर्मल है, तो क्या ये चीज़ें कभी रिप्रोड्यूस्ड हो सकती हैं, क्या बन सकती हैं? तो अगर आपका आंसर आ रहा है येस, सो यू आर गोइंग इन अ राइट वे. तो लेट मी क्लियर विद अ गुड
एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके एवरीवन, सी एवरीवन, ही आई एम गोना टू राइट दिस. तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, ठीक है, वो रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. वो रिन्यू हो सकते हैं या फिर वो रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, ठीक है. अब रिप्रोड्यूस्ड और रिन्यूड हो सकते हैं, लेकिन कौन से प्रोसेसेस से, ये बेसिक है. वो आपका फिजिकल हो, वो आपका केमिकल हो, वो आपका मैकेनिकल हो, डजेंट मैटर. ओके, इट डजेंट मैटर. वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, वो आपका केमिकल भी हो सकता है, और वो आपका मैकेनिकल भी हो सकता है, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, आप सिंपल इसे नोट डाउन कर सकते हैं. एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड. सो एवरीवन, सी, सिंपल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दैट रिसोर्सेज, जस्ट अ सेकेंड, या रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय ऑल द मैथड्स. व्हाट आर द मैथड्स? दैट सिंपल कैरीज योर फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, एंड बाय दैट प्रोसेसेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड अ सिंपल कॉल्ड योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑलराइट, नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एक और नेम से भी कह सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं. जैसे कि आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको हम कह सकते हैं रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज जो दोबारा रिप्रोड्यूस्ड हो सके, ठीक है, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. तो होप्स आपका जो कॉन्सेप्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स का, वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है वो है आपका सिंपल एज इट इज लुक, दैट इज योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब इसमें आपको करना क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स का उल्टा कर देना है, ठीक है. अब इसमें हम फर्दर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है. लाइक आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, होप्स यू हैव सीन. न्यूक्लियर भी यू हैव सीन, कोल, एंड वट कुड बी मोर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेशन, एंड इफ यू आंसर विल गोना टू बी अप्रोप्रिएट, आई एम गोना टू गिव यू थम्स अप. ओके, वट कुड बी द मोर एग्जाम्पल्स फॉर नॉन रिन्यूएबल इज योर सीएनजी गैस, या मैनी अदर्स, ठीक है. तो आप अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो सिंपल रिसोर्सेज विच वंस गेट एक्सॉस्टेड. अब इसका क्या मतलब है, कोई भी रिसोर्सेज विच वंस गेट एग्जॉस्टेड. सी द स्पेलिंग वेरी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड, एंड कैन नॉट बी रिमेड, एंड कैन नॉट बी रिमेड. तो ऐसा रिसोर्स जो एक बार ख़त्म हो जाए और दोबारा बन ना सके, लेकिन उसे बनने में दे टेक अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, उसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगे, ठीक है. लाइक वी कैन हैव एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉर इन दैट फॉर्मेशन. सो उस टाइप के रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था सीएनजी गैस का, न्यूक्लियर का सबसे बेटर एग्जाम्पल है आपका न्यूक्लियर. न्यूक्लियर आपका एक बार एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसे बनने में बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड का टाइम लेना पड़ता है, ठीक है. आपका कोल है, आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ये सब हो गया आपका, ठीक है. तो होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट जो पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेज का, वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. अब आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं. अब इस चैप्टर में आपके जो बेसिक पॉइंट्स आने वाले हैं वो मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है. तो नीचे आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है. बेसिस ऑफ ओरिजिन मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आता है, तो वो आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं. जैसा कि आपका बायोटिक रिसोर्सेज एंड योर एबायोटिक रिसोर्सेज. अब ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, सिंपल अगर हम एग्जांपल लें विदाउट लुकिंग एट द डेफिनेशन, तो दैट इज समथिंग दैट इज ओरिजिनेटेड बाय अ लिविंग थिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी इजीएस्ट वन, होप्स यू अंडरस्टैंडिंग. कोई भी चीज़ का मतलब लिविंग थिंग, ठीक है. ऐसी चीज़, ऐसा रिसोर्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है या फिर ओरिजिनेट हुआ है, उसे हम कहेंगे वो होता है बायोटिक रिसोर्स. लेकिन अगर हम एबायोटिक रिसोर्स की बात करें, तो कोई भी चीज़ जो
नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हुई है, एज इजी एज इट लुक। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज के, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फ्लोरा एंड फौना। हो सो आपको फ्लोरा एंड फौना के बारे में नहीं पता होगा, पता है तो दैट्स ग्रेट, एंड आई एम नॉट गोना टू टेल यू इन दिस, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आंसर इज गोना टू बी अप्रोप्रिएट, सेम थिंग आई एम गोना टू डू, एंड इफ रॉन्ग आई एम गोना टू करेक्ट दैट, ओके। फ्लोरा एंड फौना समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एक इसमें से फ्लावर होगा, एक इसमें से एनिमल होगा, आप कौन होगा कैसे होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आपके फिश हैं, आपके लाइव स्टॉक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि आपका क्लाइमेट है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है और आपका सॉइल हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपकी बायोटिक रिसोर्सेज में आती है। होप सो क्लियर एवरीवन। हाँ, ए बायोटिक रिसोर्सेज में भी आपके बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन अप हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ब्लू क्रैब्स हैं आपने देखा होगा, जेली फिश हैं, तो ये सब एग्जाम्पल आपके एबायोटिक रिसोर्स में आ जाते हैं। ओ आई हैव टोल्ड रॉन्ग, या देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग वायर, जो रॉक्स एंड मेटल्स हैं इसमें आप और लिख लीजिए, क्लाइमेट आपका, सनलाइट, ह्यूमिडिटी और सॉयल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट होती हैं, तो इसे हम एबायोटिक रिसोर्स कहेंगे, लेकिन बायोटिक रिसोर्स जैसे कि आपका फ्लोरा फौना, ब्लू क्रैब्स हैं, जेली फिशेस, तो दे आर द लिविंग थिंग्स और ये लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, तो होप सो क्लियर। अब यहाँ पे कुछ बेस्ड ऑन द एक्सॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपके रिसोर्सेज गिवन अप हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्स आएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि मैंने अभी बता दिया है। अब आपके बेस्ड ऑन द ओनरशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पुट अ स्टार ऑन दिस, ओनरशिप, बेस्ड ऑन द ओनरशिप योर कम्स फर्स्ट नंबर, दैट कम्स योर individual resource, what comes your, everyone please look on the screen, that's your individual resources। अब यहाँ पे ये फोर्थ इतना पैरा दिया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा जब पढ़िएगा चैप्टर अपना, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन से हम अपना इंडिविजुअल रिसोर्स कंप्लीट करते हैं। सिंपल, दैट द थिंग दैट आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एज द डेफिनेशन सेज एवरीथिंग। कोई भी चीज़ जो एक ओन्ड, कोई भी चीज़ ओन करी जाए एक इंडिविजुअल से, जैसे कि क्या हो सकता है, आपके यहाँ पे बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं, आपका खुद का घर, सिंपल द बेस्ट एग्जांपल, योर हाउस, ठीक है, आपका हाउस, आपकी ओन प्रॉपर्टीज जो हैं, आपके प्लांटेशन एरियाज जो हैं, आपके पैस्चर लैंड्स जो हैं, पॉन्ड्स हैं, वाटर्स हैं, वेल्स हैं, और आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपके वर्कर्स, आपने कोई बिजनेस खोला है अपने ओन इंडिविजुअल के लिए, तो वो आपका हो सकता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम बात सकते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है। तो कम्युनिटी रिसोर्स एज इजी इट लुक, दैट इज कम्युनिटी रिसोर्स में रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल, या फिर कह सकते हैं विच आर यूजफुल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। आप कहेंगे कैसे, जैसे कि आपका पार्क है, अब पार्क में आपने देखा होगा, अगर आपके आपकी जो घर है उसके बाहर पार्क होगा, तो आपकी सोसाइटी के जितने भी मेंबर होंगे वो सब उस पार्क का यूज़ करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो पार्क केवल आपका है, नो ठीक, अगर आपने बनवाया आपके घर में, दैट डजंट मैटर, दैट्स द डिफरेंट एक्सेप्ट, बट अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक पार्क है, तो उसका जो यूज़ है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटीज़ हैं, वो पूरा का पूरा कम्युनिटी उस सोसाइटी की का जो होता है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो अब फिर क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आ जाएगा नेशनल रिसोर्स। अब ये क्या चीज़ है, यस एवरीवन, तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी नेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो ये भी इजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाएगा, क्योंकि नेशनल रिसोर्स को हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नेशनल, आपने नेशनल हाईवेज देखे होंगे, नेशनल रोड्स देखे होंगे, मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों को साथ साथ दे रही हूँ। तो रिसोर्सेज विच बी बिलोंग या फिर बी ऑफ द नेशन, अब ये क्या कह दिया मैम ने, डजंट अंडरस्टैंड ना। देखो रिसोर्सेज विच बिलोंग टू अ नेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्सेज। व्हाट कुड बी द एग्जांपल, दैट्स योर कम्स, नेचुरल रोड्स, नेचुरल सेंचुरीज, नेचुरल टेंपल्स, मॉन्यूमेंट्स, एवरीथिंग विच बिलोंग टू अ नेशन इज कॉल्ड योर नेशनल रिसोर्स। नाउ इट्स कम्स टू योर एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, व्हाट डस मैटर। तो देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब ही कह रहा है कि रिसोर्सेज विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन ओन और कैन यूटिलाइज और कैन एसेसिबल, कुछ भी आपका मन हो लिखिए, बट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रिसोर्स
which no individual country can utilize. We can have the examples, the basic examples that written in your book, that is ocean, here written the oceanic resource beyond 200 nautical miles of the coastline of the country belongs to open oceans and no individual country can utilize that things. सिंपल. तो जो आपकी ओशियानिक वाटर बियॉन्ड है 200 किलोमीटर, इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ओशियानिक जो बियॉन्ड्स होते हैं. तो ये एक आपका पूरा का पूरा वी कैन हैव द गुड एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, तो मैं इसे अलग से वीडियो में क्लियर कर दूंगी. ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. तो आपका अब आ जाता है पोटेंशियल रिसोर्स. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? तो ये सिंपल एज इट इज़. लुक, पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि आप पोटेंशियल हो जाए. नो, डजेंट मैटर डैट. रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट नॉट इन यूज. मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है राजस्थान और गुजरात. तो आपको पता होगा राजस्थान में सोलर एनर्जी और गुजरात में आपकी विंड एनर्जी. होप फो आप में की बुक में लिखा होगा राजस्थान में क्या चीज़. राजस्थान में आपकी सोलर एनर्जी एंड गुजरात में आपकी विंड एनर्जी. तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे. ठीक है, रिसोर्सेज फाउंड इन दैट रीजन बट नॉट इन यूज बिकॉज इट इज इन अ हैवी फॉर्मेट कह सकते हैं, ज़्यादा है इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज. तो कोई भी चीज़ डेवलप्ड है अच्छे से, उसे यूटिलाइज किया जा रहा है, तो आपका डेवलप्ड रिसोर्स हो जाएगा. रिसोर्सेज विच आर हाईली डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड. अब आगे हम बढ़ते हैं. तो आपका आ जाएगा स्टॉक रिसोर्सेज. अब स्टॉक रिसोर्सेज क्या है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इसमें बहुत फ्रेंड्स कन्फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो स्टॉक रिसोर्सेज में रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं बट डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम. मतलब कोई भी रिसोर्स है पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस रिसोर्स को एक्सेसिबल कर सकें, उस रिसोर्स को हम अवेलेबल कर सकें अपने यूज के लिए. सिंपल. ठीक है, हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करें. आपकी बुक में भी एग्जाम्पल होप सो दिया हुआ होगा. वी कैन गो थ्रू डाउन, होप सो नॉट गिवन. या तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूँ. देखिए, जैसे कि वी हैव वाटर, वी हैव O2, बट वी डू नॉट हैव दी कह सकते हैं वी डू नॉट हैव एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस H2+O2 टू फॉर्म अ सोलर एनर्जी. एम आई राइट? यस, एम आई राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब हमारा आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वो उसी का टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी थोड़ा देख लेते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अलग से टॉपिक आपका गिवन अप है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग. अब ये देखो, ये बहुत आसान है, सिंपल. पढ़ने के पहले ही मैंने बता दिया, आप भी बता सकते हैं. सिंपल है. को ऐसा डेवलपमेंट जो किया जाए, लेकिन वो किया तो जाए लेकिन ऐसे किया जाए कि जो प्रेजेंट में लोग हैं उनके तो यूज आए और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इनका लाभ हो सके. ऐसा नहीं कि जो आज की कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं वो उसे यूज कर लें और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए वो यूज में ना हो और हार्मफुल हो जाए. तो ऐसी चीज़ें नहीं, गुड चीज़ें ये कह सकते हैं आप. ठीक है, तो बाकी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. और आई बी बैक विद डिस्कसिंग यू ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑफ 1992. ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे, बहुत इजी होने वाला है आपका. यहाँ तक जो आपके टोटल रिसोर्स थे वो मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया. तो होप सो आप लोग बहुत खुश होंगे. और इसी तरह से अपने आप डेफिनेशन को बनाना सीखिए. और सबसे बेसिक थिंग है, कोई भी चीज़ है तो उसके सिनोनिम आप यूज़ करिए. ठीक है, उसके सिनोनिम में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके डेफिनेशन को एक अलग सा ग्लो देगा. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. एंड देयर आर प्लेलिस्ट प्रेजेंट इन माय पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ऑफ 3D स्टडीज. सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग्स. एंड वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपरली वीडियोस दिया है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सॉल्यूशंस भी गिवन है, वो हर एक चीज़. ठीक है, तो आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डू प्रेस द बेल आइकन for to not miss any of the update of 3D studies. Till that, keep learning everyone and please explore every time. Do not waste your time because time is everything. So bye bye.